ठीक है, मेरे पास फोन आया, हम लोग यहाँ घर पे लेते थे, मेरी माँ तबीयत खराब थी और मेरे पास फोन आया तो मैं भाग के गया, तो उधर पता चला कि शादी वर्षी में उठा ले गए एफसीएफसी वाले। हमने नहीं पता, हम लोग यही बैठे तो मीमा की तबीयत खराब थी, देख रहे थे सर। तो चौकी पे गए थे तो इनने पूछा मेरे भाई ने, तो बोला दाढ़ी वाले साले लगता है आतंकवादी हो तुम लोग सब। अच्छा जी, ऐसा बोला। आप किसी को इंसान को या भी आदमी कहाँ से जाएगा आपके पास, आपकी जात पता करने तो आप सीधा बोल दोगे साले दाढ़ी वाले के आतंकवादी हो। हर मुसलमान के आतंकवादी हो जाता है, इंसान मेहनत मजदूरी आता है गिरी करके खाता है, तो आप क्या वो आतंकवादी है? आप क्या करते हैं? हम तो सर ये अपना ईटा गारा का काम करते हैं जी। मेरे भाई थे वो, हाँ सगे मेरे भाई, वो बैटरी रिक्शा चलाते थे सर। नहीं यहीं चलाते थे और कहीं नहीं जाते वो। कुछ नहीं, उनका कोई किसी से संबंध नहीं। आप एक बैटरी रिक्शा वाले, आपका बैटरी रिक्शे का कारोबार है, मैं आपसे कांटेक्ट हूँ, ठीक है? आप कोई गलत काम करोगे आपके चक्कर में मुझे उठाया जाए तो क्या मैं आपके चक्कर में उड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हो जाऊंगा? ऐसा तो कहीं का रूल नहीं है ना। क्या वो कहीं भी किसी दोस्तों से मिलने जाते थे कहीं बाहर? कोई कहीं नहीं मिलने जाते थे, वो सब अपनी माँ के चक्कर में कहीं नहीं जाते। वो उनकी माँ इतनी बूढ़ी है, देख ली आप लोग। हम लोग आपसे अब हो गए 20-25-30 साल हो गए हम लोग को सर यहाँ पे। हाँ, हम लोग का खुद का घर है। जी मोहम्मद रियाज अली। शकील को आप जानते हैं? जी हाँ, शकील हम लोगों के सामने छोटा है, यहाँ कम से कम 25 साल से तो हम ही जानते हैं उसको। कभी कोई ऐसी हरकत हमने नहीं देखी उसके लिए। बेचारा जो है ई रिक्शा चलाता आएगा और उसके बाद में जो है अपने गुजर बसर अपनी माँ के साथ में कर रहा है। ये चार भाई हैं शकील, पानी की जो है दुकान लगाते हैं कुनमेरी के पास इनके भाई लोग। एक भाई जो है फेरी करते हैं स्टोव की। ये सब बेचारे सज्जन लोग हैं और सीधे लोग हैं। पांचों नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं देखा, हम लोग मोहल्ले वालों ने कभी नहीं देखा कि बाहरी कोई आता है भाई। इसके बारे में हम नहीं बता सकते कानपुर जाते थे या नहीं। आज यहाँ पे ये हुआ कि एकदम ही से फोर्स आई है, मोहल्ले वाले बाहर निकले हैं, जब तो देखा यहाँ पे फोर्स को तो पता लगा ये कि शकील को पकड़ने आए हैं। जी नहीं, पुलिस से हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई भाई, वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन मतलब ये है यहाँ पे कि अगर सच है तो उसको सामने आना चाहिए और बेगुनाह है तो उसको छोड़ना चाहिए भाई। ऐसे शकील नाम तो बहुत से हैं, लेकिन आप जो है पूरे उससे अगर आए हैं तो आप उसको छोड़ तो करिए, कम से कम वल्दियत देना चाहिए आपको। तो इनका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड, ये सब यही का, ये सब यही जनता नगरी का आएगा जी।